नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेके एरोटेक में। आज जो है हम रसायन विज्ञान की सीरीज में आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में कि नाभिकीय विखंडन क्या होता है और नाभिकीय संलयन क्या होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन किसी बड़े भारी नाभिक के दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। यानी किसी बड़े नाभिक को दो या दो से अधिक छोटे भागों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया की खोज जर्मनी के वैज्ञानिक ऑटो हाल तथा फ्रिट्स स्टासमान ने 1939 ईस्वी में की थी। यानी नाभिकीय विखंडन की खोज दो वैज्ञानिकों ने जर्मनी के ऑटो हान तथा फ्रिट्स स्टासमान ने 1939 ईस्वी में की थी। इस अभिक्रिया में नाभिक के द्रव्यमान के कुछ अंश के ऊर्जा में परिवर्तन के कारण प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। नाभिकीय विखंडन में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, काफ़ी एनर्जी जो है बाहर निकलती है नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया में। नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहला होता है अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया और तथा दूसरा होता है नियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया। परमाणु बम बनाने में अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया तथा परमाणु संयंत्रों में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है। यानी एटम बम बनाने में अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला का प्रयोग होता है तथा परमाणु बम बनाने में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का प्रयोग होता है। अब देखते हैं दोस्तों कि नाभिकीय संलयन क्या होता है। नाभिकीय जो संलयन होता है वो क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। दो हल्के परमाणुओं के नाभिक जब परस्पर संलयित होकर एक नए परमाणु नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसमें अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन ही है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर ही आधारित होता है। यानी नाभिकीय संलयन में दो हल्के परमाणु के नाभिक जब आपस में संयोग करके एक नए नाभिक का निर्माण करते हैं तो जो ये प्रक्रिया होती है इसको नाभिकीय संलयन बोलते हैं। सूर्य और जितने अन्य भी तारे होते हैं उनमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों नाभिकीय संलयन ही होता है। हाइड्रोजन बम जो बनाया जाता है वो नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया के आधार पर ही बनाया गया है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। हम आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो रसायन विज्ञान से संबंधित लेकर आते रहेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने जेके एरोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जेके एरोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जेके एरोटेक की तरफ से जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।